नगर योजना एवं संरचना पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विश्व इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इस सभ्यता की विशेषता इन बातों से झलकती है कि आधुनिक वस्तुएं, तकनीक और जीवन शैली जो आज प्रचलित है, वो आज से हजारों वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनूठा पहलू नगरों का विकास था। नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन की नगर योजना में अनेक समानताएं हैं, किंतु कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली ना होने एवं कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण यह एक दिनहीन प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? यदि कोई कार्य की पहले रूपरेखा बनाई जाती है और फिर उसे किनारित किया जाता है तो वह कार्य व्यवस्थित होता है, जैसा कि मोहनजोदड़ो नगर के अवशेषों में दिखाई देता है। 125 हेक्टेयर क्षेत्र में मोहनजोदड़ो एक विशाल नगर था। यह नगर दो भागों में बटा हुआ था। पहला शहर के पश्चिम में एक किला था और दूसरा पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था। दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े भवन थे। दुर्ग के चारों तरफ ईंटों की दीवार थी जो दुर्ग के निचले शहर से अलग करती थी। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ये ऊंचे चबूतरे भवनों के आधार का निर्माण करते थे, जैसा कि बच्चों आज भी देखते हो कि कोई कोई घर चबूतरे पर ऊंचे उससे बनाया जाता है। मोहनजोदड़ो के समान हड़प्पा भी एक सुनिश्चित शहरी केंद्र था और इसकी नगर योजना था। मोहनजोदड़ो की नगर योजना में महत्वपूर्ण समानताएँ थी, किंतु इसे सभ्यता की सभी बस्तियों की योजना एक जैसी नहीं थी। प्रतिष्ठा बच्चों, इन्हीं पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निवास स्थानों भवनों के निर्माण में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता था, जैसे मकान कच्ची ईंटों, पक्की ईंटों, लकड़ी तथा सरकंडों से बनाए जाते थे। जहां पत्थर सरलतापूर्वक मिल जाया करते थे, निर्माण कार्य तराशे हुए पत्थरों से भी किया जाता था, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। परपोटे के दीवारों के निर्माण में के लिए बड़ी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घरों की फर्श कड़ी मिट्टी को कूट करके बनाया जाता था और स्नानागार के फर्शों को, नालियों को पक्की ईंटों अथवा पत्थरों से बनाया जाता था। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद गृह स्थापत्य। बच्चों, मोहनजोदड़ो के निचले शहर से आवासीय भवनों के नमूने उपलब्ध हुए हैं। इसमें निवास स्थान छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते थे और साधारण भवन और सार्वजनिक एवं राजकीय भवनों के भी साक्ष्य मिले हैं। सड़कें तथा नालियाँ, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सुव्यवस्थित सड़कें तथा नालियाँ थीं। सड़कों और नालियों का निर्माण लगभग एक ग्रिड पद्धति में किया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी और गलियां प्रायः 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी थी। अब इसके बाद बच्चों, जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की एक अद्वितीय विशेषता थी जो इसकी समकालीन सभ्यताओं में नहीं मिलता है। इसके उदाहरण उसकी समकालीन सभ्यताओं में नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग नालियों के निर्माण में अत्यधिक निपुण थे। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियाँ थीं जो स्नान घरों एवं शौचालय से जुड़ी होती थी। इनके द्वारा घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्य आकार की निकास नालियों तक पहुंच जाता था। मध्यम आकार की नालियाँ बड़ी सड़कों के साथ बने हुए नालों से मिलती थीं। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी तथा ढकी होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर अस्थाई पत्थर लगे होते थे। क्यों लगे होते थे बच्चों? क्योंकि ये सफाई करना हो तो उसको अनुसार हटा करके उसकी नालियों की सफाई की जा सके। जल निकास प्रणाली केवल बड़े नगरों तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि ये छोटी बस्तियों में भी इनके अस्तित्व या इनके उदाहरण मिलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद है विशाल स्नानगृह या स्नान गृह, जहाँ पर नहाया जाता है उसको कहते हैं। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उत्तम कोट की पकी ईंटों से बना स्नानागार स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। बच्चों, जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा था।
इसके दोनों किनारों पर अर्थात उत्तरी और दक्षिणी भाग में तल माने नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसके तीनों तरफ कमरे बने हुए थे। इनमें से एक बड़ा कुआं था जिसमें जलाशय से पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए एक ढलवा नाली थी। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार थे, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। तो प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ बने एक नाले में मिलती थी। पास ही एक जीना था, जीना माने सीढ़ी, जिससे ऊपर की मंजिल तक जाया जा सकता था जो है। तो ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग धर्मानुष्ठान या धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े स्नानागार का प्रयोग रोज़ तो नहीं होता था हो रहा होगा। इसके बाद बच्चों अन्नागार या अन्न भंडारण, जहाँ पर अन्न का भंडारण किया जाता है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के टीले में एक विशाल अन्नागार एवं मालगोदाम मिला हुआ है। ईंटों से बने इसके निचले भाग में शेष हैं। ऊपर भाग जो संभवतः लकड़ी से बनाए गए थे वो बहुत पहले ही नष्ट हो गए हैं, क्योंकि लकड़ी बहुत दिन तक नहीं रह सकती, इसलिए वो नष्ट हो गया है। और इसमें ईंटों से बने 27 खंड ब्लॉक बने हुए हैं, इनमें से प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए हैं। ऐसा एक विशाल अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है। इसमें चबूतरों पर बने अन्न भंडारों की 2 कतारें थीं तथा प्रत्येक कतार में 6 अन्न भंडार थे। अन्न भंडार के दक्षिण के ईंटों के गोल चबूतरों की कई कतारें थी। इस तरह से हमें यहाँ पर इसके अवशेष मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भोजनालयों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, और इसके बाद